साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे ओमान मस्कत से रिलेटेड। जी हां साथियों, क्यों ये ओमान की क्या कंडीशन है, वहां की गवर्नमेंट ने क्या कुछ अपडेट नए दिए हैं, इंडिया आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, इनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई पहले बात कर लेते हैं कि ओमान मस्कत में कोरोना के क्या अपडेट हैं। तो अभी तक ज़्यादा कोई पॉजिटिव हुए नहीं है, सिर्फ 2000 यानी 2100 के करीब वहाँ पे अभी तक पॉजिटिव हुए हैं। उनमें से डेथ भी बहुत कम रेशियो है, ओनली 10 डेथ अभी तक हुई हैं, 10 इसके बाद में बात कर लेते हैं कि उसमें से भी रिकवर हो गए लगभग 350 से प्लस अभी तक रिकवर हो चुके हैं। यानी कोरोना का अपडेट ओमान मस्कत का बहुत बेस्ट मैं मान सकता हूं कि उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने कुछ ढील भी दी है कामों में, या फिर और भी सिस्टम में थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा, जल्दी रिकवर हो जाएगा। हालांकि कंट्री छोटी है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी लॉकडाउन आपको पता है बढ़ा के 8 मई तक कर दिया गया है। 8 मई तक लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद जो केस के हिसाब से डिपेंड करेगा, आगे नहीं बढ़ते हैं केस तो लॉकडाउन आगे वहीं का वहीं पूरा 100% ओपन कर दिया जाएगा। आगे साथियों न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई ओमान गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाते हुए मई जून अगस्त तक की जो 3-4 महीने की जो फीस है बच्चों की वो बाकायदा माफ़ कर दी है, ये एक्सटेंड नहीं किया, माफ़ कर दिया है। इंडिया गोर अभी तक कोई ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया इंडियन गवर्नमेंट, तो भाई बिजली के पानी के बिल भी माफ़ अभी तक नहीं किए हैं वहाँ ने। तो चलो स्कूल के बच्चों को भी, जो इंडियन स्कूल्स हैं वहाँ पे इंडियन बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा, उनकी बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी गई है। अब ये छोटी मोटी अपडेट होने के बाद दो टॉपिक पर हम बात करेंगे साथियों। एक तो बहुत सारे लोगों के जो वहाँ पर फंसे हुए हैं विजिट वीज़ा में, वर्क परमिट में, बिजनेस में, ऑन अराइवल में विजिटर्स गए हुए हैं उनके लिए बता दूं साथियों, आपको पता होगा लगभग कंट्रियों की अभी फ्लाइट्स स्टार्ट हो जाएंगी, पाकिस्तान की भी अभी हो रही हैं, इंडिया की भी अभी एक दो दिन के अंदर टाइम अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अभी तक अपडेट गवर्नमेंट ले रही है कि कौन सी कंट्री से कितने बंदे रिकवर करने हैं, जिसमें इंडिया में हालांकि 3 तारीख के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा, आंशिक रिपोर्ट निकल के आ रही है। लेकिन फिर भी बता दूं एयरपोर्ट ओपन रहेंगे, 3-4 एयरपोर्ट जो महानगरों के हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, गोवा वगैरह ये एयरपोर्ट हैं वो चालू रहेंगे, और फ्लाइट्स का शेड्यूल बनाया जाएगा उस हिसाब से आप इंडिया आ सकते हो, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आप बीमार हैं या फिर आप इमरजेंसी केस है आपका कि इंडिया आना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप विजिटर्स वगैरह हैं उनको, या बूढ़े बुजुर्ग हैं या प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर जिस मौत से जो ख़त्म हो चुके हैं बीमारी की वजह से या फिर कोरोना की वजह से डेथ हो चुकी है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ इंडिया लाया जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के या फिर अपने एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके आप इंडिया आ सकते हो। डायरेक्टली नहीं है कि भाई टिकट बुक करवाई रहा आप एयरपोर्ट पहुँच गए, ऐसा तो नहीं होने वाला अभी तक जो न्यूज़ निकल के आ रही है उस हिसाब से आप आ सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं भाई टिकट से रिलेटेड, तो मैं बता दूं कि टिकट 100% 3 गुना महंगी होने वाली है। अभी के टाइम मान लीजिए 10-12 हज़ार में टिकट मिलती है तो वो टिकट आपको मिलेगी 35-40 हज़ार के करीब। तो पहली बात तो माइंड में ये श्योरिटी कर लें 35-40 हज़ार टिकट का लगेगा, वो आपका लगेगा, गवर्नमेंट नहीं देगी। आपको ये कहीं माइंड में लग रहा हो कि गवर्नमेंट अपने को फ्री में ले जाएगी, नहीं, आप आपातकाल स्थिति में नहीं फंसे हैं, कोई हिमालय के ऊपर समुद्र में या आग में नहीं गिरे कि यार एरोप्लेन आया और आपको उठा के लेके गया। आप इंडिया आना चाहते हैं उसमें पैसा आपका ही लगेगा टिकट का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जो लोग ये सोचते हैं कि यार हमें टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए या 1 साल हो गए, चलो घर चलते हैं, उनके लिए बैड न्यूज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको सबसे महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप तो सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा इसलिए आप इंडिया आ रहे हो, बाकी आपको कितना नुकसान होगा पहले बता दूँ टिकट का नुकसान, 30-40 हज़ार 50 हज़ार के करीब आप घर तक पहुँचते पहुँचते खर्चा लग जाएगा। दूसरी बात बता दूँ कि आप आओगे तो डायरेक्ट ये नहीं कि फ्लाइट से उतरे 4-5-7 घंटे में आप घर पहुँच गए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपकी पूरी स्क्रीनिंग होगी, जाँच होगी, और फिर 14 दिन तो 100% आपको आइसोलेट किया जाएगा। अब वो होम क्वारंटाइन कहाँ गवर्नमेंट करेगी, अपने स्तर पे कहाँ आपको लेके जाएगी पता नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद आपका वहाँ रहने का इंतज़ाम कैसा होगा, क्या आप अपना 14-15 दिन कैसे निकालोगे, या फिर आपको अगर कोई कोरोना हो जाता है तो भाई आप लंबे टाइम के लिए फिर जाओगे, वगैरह वगैरह कई समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि जो लोग ये सोचते हैं टाइम हो गया इंडिया जाना है तो भाई वो थोड़ा सा बच लें। जिनको अगर 150-200% प्रॉब्लम नहीं हो आने की कि नहीं कोई मजबूरी नहीं है ऐसे ही जा रहे हैं तो वो एक बार वेट कर लें। आपको रहना मिल रहा है ओमान में, खाना मिल रहा है, या फिर आपको कोई समस्या नहीं है तो भाई क्यों ही समस्या में
ओमान आके पढ़ रहे हो यार, तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे है कि जो प्रॉब्लम नहीं है बस ऐसे ही आना है, वो थोड़ा सा वेट कर लें। इमरजेंसी केस होता है वो एक अलग इश्यू होता है, उनको आना ही पड़ेगा चाहे उनको कितनी भी समस्याएं हो। बाकी आपको अगर इमरजेंसी नहीं है तो ना आए, डबल नुकसान है आपका, जॉब आप छोड़ के आओगे, जॉब दोबारा मिले कि नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, जिस तरह से माहौल चल रहा है बेरोजगारी का, समझ गए। दूसरी बात, टिकट का कितना खर्चा पड़ेगा, तीसरी बात, इंडिया में आने के बाद कितना टाइम लग जाएगा घर पहुंचने में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या सुविधाएं मिलेगी, किस तरह से भूखा रहना पड़ सकता है, वगैरह वगैरह। भाई इंडिया बहुत बड़ा है, ये ओमान नहीं है छोटा सा, ओमान तो अंडे जितना है, समझ गए बात को। तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखें, आज की वीडियो यही थी। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।